भारतीय जनता पार्टी ने हाल में जीते हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के लिए मुख्यमंत्री पद पर बिल्कुल नए चेहरे चुनकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार की बागडोर संभाली है, तब से कई राज्यों में ऐसे नए चेहरों को मौका दिया गया है। अब खुद पीएम मोदी ने इस पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री निवास पर इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कली पुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगपा से बातचीत में पीएम मोदी ने बीजेपी के इस ट्रेंड के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया ट्रेंड नहीं है, वास्तव में भाजपा के भीतर इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी मिसाल तो मैं हूँ। जब मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया, मुझे पहले का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था और विधानसभा में चुना तक नहीं गया था। हाँ, यह नए ट्रेंड की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज दूसरी ज्यादातर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों को यह लोकतांत्रिक मंथन कठिन लगता है। भाजपा में एक ही समय नेतृत्व की कई पीढ़ियों को एक साथ पोषित करने की क्षमता है। भाजपा के अध्यक्षों को देखिए और आप हर कुछ वर्षों में नए चेहरे देखेंगे। हमारी काडा आधारित पार्टी है जो स्पष्ट मिशन लेकर चलती है। हम सभी ने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और समर्पण तथा कड़ी मेहनत के बूते ऊपर उठते गए। इसी प्रतिबद्धता के कारण विशेष रूप से युवा भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में नई पीढ़ियों और नए खून को अवसर देना बहुत जरूरी है। यह लोकतांत्रिक मंथन ही लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। यह लोकतांत्रिक मंथन ही हमारी पार्टी को जीवंत बनाता है और हमारे कार्यकर्ताओं में आकांक्षा और उम्मीदों की लौ जगाए रखता है। उन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत के बल पर वे भी पार्टी में ऊपर उठ सकते हैं। हमारी पार्टी अलग अलग प्रयोग करने की अभ्यस्त है। गुजरात में हमने मंत्रिमंडल में सभी नए चेहरों का विकल्प चुना। दिल्ली में हमने स्थानीय निकाय चुनावों में सभी नए चेहरों का विकल्प चुना।